हेलो एवरीवन, मैं राधा। मेरे कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना खिचड़ी, टेस्टी मसालादार बड़ी चटपटी खिचड़ी। साबूदाना है ये, इसे हम दो पानी से धुलेंगे। इसका पाउडर नहीं निकल रहा, जब तक धुला है हमें इसे। सारा पानी निकाल लेना है। एक कप साबूदाना लिया है हमने, तो इसमें एक ही कप पानी डालेंगे। और ये बारीक वाला साबूदाना है, इसे ज्यादा देर के लिए नहीं भिगोना है। इसे एक घंटा हम छोड़ देंगे ऐसे ही ढक के। हमारा एक घंटा हो चुका है, देखिए हमारे साबूदाने कितने खिल चुके हैं, कितने दानेदार हो चुके हैं। अब हम बनाएंगे इस खिचड़ी। बनाने की सामग्री, यहाँ मैंने एक आलू लिया हुआ कटा हुआ, इसे अच्छे से धो लिया है। आधा शिमला मिर्च, चार हरी मिर्च इसे टुकड़ों में काट लिया है। एक टमाटर इसे भी टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ा सा धनिया, कड़ी पत्ता, एक चौथाई चम्मच किसा हुआ अदरक, आधा कप कच्ची मूंगफली दाना लिया हुआ है, आधी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, एक चम्मच राई जीरा है, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक, और हम खिचड़ी में डालने के लिए नींबू ले रहे हैं आधा। ये देखिए हमारे साबूदाने कितने अच्छे से खिल चुके हैं। बारूक साबूदाना हमने लिया हुआ है ये। अब हम दानों को, मूंगफली दानों को रोस्ट करेंगे। गैस ऑन करेंगे, मूंगफली दाने को अच्छे से रोस्ट करेंगे। हमारे दाने रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इन्हें मिक्सी जार में अच्छे से दरदरे पीस लेंगे। हम ले रहे हैं एक चौथाई कप तेल, अब इसमें हम डालेंगे राई और जीरा। हिला देंगे थोड़े से। अब हम डालेंगे हमारी चार कटी हुई मिर्ची, शिमला मिर्च, कड़ी पत्ता, हमें डाल दी इसमें किसा हुआ अदरक, इसमें अच्छे से हिला देंगे। अब हम कटा हुआ आलू ले रहे हैं, एक हम कच्चा आलू इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बॉईल करके भी उसे टुकड़े करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दानों के छिलके निकाल के हम इस तरीके से इसे बारीक अच्छा दरदरा कूट लेंगे। हमारे आलू को 2 मिनट हम ऐसे ही पकने देंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमने कच्चे आलू लिए हुए हैं। बॉईल करे हुए आलू में टाइम नहीं लगता है, इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए इसे कटना चाहिए आलू को बीच में से। हमारे आलू हो चुके हैं। अब हम इसमें एक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे, इसे भी अच्छे से हिला देंगे। 2 मिनट के लिए इसे भी पकने के लिए छोड़ देंगे। हल्के टमाटर पक चुके हैं, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, मिर्ची, हल्दी, नमक, इन्हें भी अच्छे से मिला लेंगे। मूंगफली को हमने दरदरा पीस लिया है, अब हम इसे साबूदाने में डाल के मिक्स कर देंगे। आप इसे कभी भी खा सकते हैं, लेकिन ये फास्ट की खिचड़ी नहीं है। अब हम इसमें साबूदाने ऐड करेंगे, इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये हमारी चटपटी मसालेदार खिचड़ी है। आप इसे उपवास में नहीं खा सकते, इसे नाश्ते में खा सकते हैं। अब हम इसमें कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। डालेंगे आधा नींबू का रस, धनिया कटा हुआ, अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मसालेदार चटपटी खिचड़ी बनकर रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देख लीजिए, बिल्कुल चिपकी नहीं है हमारी खिचड़ी। अब हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।